नमस्कार स्टूडेंट, आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके मैथमेटिक्स का दूसरा लेसन है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे और फंक्शन पढ़ा भी है। फंक्शन क्या है, पढ़ा था कि ए रिलेशन इन विच इवरी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव एग्जैक्टली ओनली वन इमेज इन को डोमेन, दैट रिलेशन इज नोन एज द फंक्शन। अर्थात हम ऐसे पढ़ा था, यहाँ जो है आपका डोमेन है, यहाँ क्या है को डोमेन है, तो डोमेन का ईच एलिमेंट हैज ओनली वन इमेज, ऐसे डोमेन का यह जो एलिमेंट है एक इमेज रखता है, दूसरा एलिमेंट भी एक इमेज रखता है। लेकिन ऐसा नहीं कि डोमेन का एक एलिमेंट दो इमेज रखता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फंक्शन नहीं होगा, जो कि पिछली कक्षाओं में पढ़ा गया है। इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ा गया है पिछली कक्षाओं में कि आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, ये सब लोग क्या बना रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर इसके आगे आते हैं, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है। तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स होने के लिए पिछली कक्षा में हमने पढ़ा है, या फिर पिछले लेसन में पढ़ा है, इसके पहले वाले लेसन में पढ़ा है कि फंक्शन का इन्वर्टिबल होना आवश्यक है। जब फंक्शन इन्वर्टिबल होगा तभी वह इन्वर्स होगा। तो इन्वर्टिबल होने के लिए पढ़ा गया कि फंक्शन क्या होना चाहिए, वन वन होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। जब तक फंक्शन वन वन नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा, तब तक वह जो है इन्वर्टिबल नहीं होगा। और इन्वर्टिबल होगा तभी उनका इन्वर्स ज्ञात किया जा सकता। जैसे समझ लीजिए इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल होने के लिए फंक्शन का क्या होना चाहिए, वन वन प्लस क्या होना चाहिए, आन टू। जब तक वन वन आन टू दोनों होगा तब इन्वर्टिबल होगा, और इन्वर्टिबल होगा तो उनका इन्वर्स ज्ञात किया जा सकता है। तो अब आती है बात ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे अब वाई इक्वल टू साइन एक्स है, यस बी एंगल, तो कहेंगे सर यस तो एंगल है, लेकिन ये भी जान लीजिए कि ईच एंगल विच आर इन रेडियन आर इन फॉर्म रियल नंबर, प्रत्येक एंगल जो कि रेडियन में होता है वह रियल नंबर होता है। क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो अब यदि वाई पर जो साइन एक्स है और एक्स की वैल्यू हम कोई एंगल एक्स इक्वल टू हम रखते हैं जीरो, तो वाई पर जो हमारा जीरो है। तो पहली केस, दूसरी केस मैंने एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, देन वाई इक्वल टू यहाँ कर दें वन आया। तीसरी केस फिर चेक कर रहे हैं, वेन एक्स इज इक्वल टू पाई रख दें कहाँ इसमें, देन वाई इक्वल टू साइन पाई, और साइन पाई कहाँ जीरो। इस प्रकार हम जो रिलेशन लिखेंगे, यहाँ आपने दिखाया यह एक्स दिखाया, यहाँ वाई मिल रहा है, एक्स का मान जीरो है तो वाई का मान जीरो प्राप्त होता है, एक्स का मान पाई बाई टू, पाई बाई टू लेते हैं इसकी वैल्यू वन प्राप्त होती है, फिर एक्स की वैल्यू पाई लेते हैं इसकी वैल्यू पुनः जीरो मिलती है। तो यह देख रहे हैं
यह फंक्शन है लेकिन वन मंथ फंक्शन नहीं है, क्योंकि डोमेन का जो एलिमेंट ये शून्य है वो डोमेन में जीरो में लगता है, पाई भी जीरो में लगता है, अर्थात इसके दो एलिमेंट्स जो है सेम इमेज रखते हैं को डोमेन में, अतः यह जो है वन वन नहीं है, यह क्या है मेनी वन, मेनी वन है। तो अभी आपने कहा कि फंक्शन इन्वर्टिबल होगा तब इन्वर्स होगा, तो इन्वर्टिबल होने के लिए वन वन चाहिए और क्या चाहिए आन टू, आन टू तो है क्योंकि जब इसके यहाँ इधर कोई भी रियल नंबर होगी तो उसके लिए कोई ना कोई जरूर एंगल इधर होगा, इसलिए आन टू तो है। लेकिन यह जो फंक्शन है, ये जो डिग्रीमेटिक फंक्शन है, यह मेनी वन क्या है, मेनी वन है, वन वन नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं कि इन्वर्स डिग्रीमेटिक फंक्शन ज्ञात करने के लिए इन्वर्टिबल बनाना होगा, तो इन्वर्टिबल कब बनाएंगे, अब हम क्या करेंगे कि इनके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। जैसे अब ग्राफ खींच रहा हूं, देखिए अब यहाँ होगा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस इतना इनफिनिटी, ये माइनस इनफिनिटी, यहाँ जीरो होता है, यहाँ आपका पाई बाई टू होता है, यहाँ पाई होता है, इसके बाद अगला थ्री पाई बाई टू होता है, इसके बाद टू पाई होता है, इधर लेफ्ट में आते हैं तो माइनस पाई बाई टू, इधर माइनस पाई और इधर माइनस पाई बाई टू, ऐसे बढ़ते हैं। और ग्राफ जब खींचते हैं साइन जीरो में जीरो डिग्री, हम ग्राफ के लिए वाई पर जो इसका साइन है। इस फंक्शन के बारे में हम लोग देखते हैं ग्राफ, तो जब एक्स की वैल्यू जीरो तो वाई की वैल्यू जीरो, जीरो पाई बाई टू तो वाई पर टू वन, तो यहाँ मान लिया ये जो लाइन है वाई पर टू वन है और इधर जो है यहाँ वाई पर टू माइनस वन है। अब ग्राफ खींचते हैं तो जीरो पे जीरो पाई बाई टू को वन आ गया, फिर साइन पाई तो मान जीरो फिर आ गया, तो ग्राफ हमारा जो है ऐसे बन रहा है, ऐसे फिर जीरो हो गया है, यहाँ जो है ऐसे ग्राफ बन रहा है, और फिर पाई थ्री पाई बाई टू को वन हुआ और टू पाई वन जीरो, अर्थात ऐसे फिर निकल जा रहा है इधर इनफिनिटी से। और इसी तरह माइनस फाइव बाई टू अरे है आपका वन फाइव माइनस फाइव है जीरो देते हैं। तो अब हम इसके जो है डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, कैसे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, अब यहाँ आप पढ़े हैं यहाँ वाई की वैल्यू क्या है वन, इधर क्या है वाई की वैल्यू माइनस, तो इस वैल्यू देखिए ये जो वैल्यू है इस इधर के सभी वैल्यूओं को छोड़ देंगे और ये जो है जो आर्क है यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ से यहाँ के बीच में जो वैल्यू ले जाएगी इसी वैल्यू को कहते हैं प्रिंसिपल रेंज, अर्थात माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में अब एक्स के भिन्न भिन्न मान के लिए डिफरेंट वैल्यूज के लिए वाई के डिफरेंट वैल्यू प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार का जो रिलेशन होगा या फंक्शन होगा वो वन वन होगा। हम यहाँ देखिए यहाँ एक्स की वैल्यू कुछ लिया है ना, वाई की वैल्यू यहाँ तक प्राप्त होगी, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पढ़ते हैं तो यह वैल्यू देखिए यहाँ पढ़ते हैं देखिए वाई कहाँ डिफरेंट होता है, तो एक्स के डिफरेंट वैल्यूज के लिए वाई की डिफरेंट वैल्यू प्राप्त होती है बिटवीन यहाँ इस यहाँ एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई टू से स्टार्ट होता है और कहाँ तक यहाँ एक्स इक्वल टू फाइव बाई टू, ये जो ये वैल्यू क्या कहलाएगी प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू। तो अब मेरा फंक्शन जो है इनके बीच में वन वन हो गया आन टू हो गया, तो अब इनका हम इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। अब कैसे इन्वर्स ज्ञात करें,
रेंज, इनका साइन इनवर्स का प्रो इंटरवल माइनस वन टू वन, और रेंज हो जाएगा प्रो इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अभी निकाला गया था ग्राफ पे कि इंच, इनकी जो ब्रांच है इनके बीच में जो है फंक्शन हमारा वन वन वन, इसलिए रेंज। अब कॉस इनवर्स का, कॉस इनवर्स का क्या, इनका डोमेन माइनस वन टू वन, और रेंज जो है हाँ क्लोज इंटरवल जीरो टू, जीरो टू पाई। और उसके बाद टैन का, टैन का ना डोमेन क्या होता है, आल रियल नंबर होता है, और इनका जो रेंज है ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अब इसी प्रकार जो है कॉट इनवर्स का हम निकालेंगे, कॉट इनवर्स का भी डोमेन आल रियल नंबर होता है, और इनका जो रेंज होता है वह होता है ओपन इंटरवल जीरो टू पाई। अब दो बचते हैं, एक से और दूसरा कोसेक, तो सेक इनवर्स का डोमेन क्या होता है, आल रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल माइनस वन टू वन, और इसके बाद इनका रेंज जो होता है वो क्या होता है, क्लोज इंटरवल जीरो टू पाई बाई टू, जीरो टू पाई बाई, जीरो टू पाई होता है, जीरो टू पाई बाई टू नहीं, जीरो टू पाई माइनस पाई बाई टू। इसके बाद कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स का जो डोमेन होता है वह आल रियल नंबर माइनस एम ओपन इंटरवल माइनस वन टू वन होता है, और इसका जो है जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वह कहाँ से लाइज होती है, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होती है। अब जैसे हम लोग अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.1 पहला क्वेश्चन है कि फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू। तो देखिए सोल्यूशन में ये चूंकि साइन इनवर्स है तो अब साइन की टेबल में देखेंगे कि ये वैल्यू कहाँ है, तो अभी फार्मूला पढ़ा, इधर ध्यान दीजिए फिर से जो पढ़ाया कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू प्रिंस जो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, अर्थात जो है रेंज या क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, यदि ऐसा रिलेशन है तो आप लिख सकते हैं। तो अब इनको लिखा जा सकता है क्या कि साइन इनवर्स, क्योंकि साइन इनवर्स है तो साइन के टेबल में देखना होगा पहले वन बाई टू किसकी वैल्यू है, तो हमने पढ़ा है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो 30 डिग्री को हम रेडियन में बदल देंगे, इसमें बदलेंगे रेडियन में, क्योंकि एवरी एंगल इन रेडियन दैट आर कॉल्ड द रियल नंबर, सो वी चेंज इट इनटू रेडियन, तो रेडियन में बदलते हैं 30 डिग्री को, तो 30 बड़े पाई बाई 180 से गुणा कर देंगे, कितना है पाई बाई 6। और यहाँ लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है कि साइन
माइनस पाई बाई सिक्स, साइन माइनस पाई बाई सिक्स, क्यों? ये भी पढ़ा है कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, जो माइनस हो जाएगा इसे। तो अब मेरा सूत्र हो गया, क्या सूत्र हो गया? साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई सिक्स। अब यह माइनस पाई बाई सिक्स देखेंगे कि ये जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है अर्थात इनका जो रेंज है इसके बीच में यह है कि नहीं रहेंगे। तो देखिए आप खड़े हो ऐसे, यहाँ पाई बाई टू एंगल होता है, यहाँ माइनस पाई बाई टू होता है। तो हमको देखना है कि माइनस पाई बाई सिक्स इसके बीच में है कि नहीं। देखिए आपने पढ़ा है इधर तो पाई टू होगा, माइनस पाई बाई सिक्स अर्थात यहाँ होगा माइनस पाई बाई सिक्स अर्थात इनके बीच में। देखिए माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में आपका एंगल माइनस पाई बाई सिक्स होता है, अतः यह कंडीशन सेटिस्फाई होती है। क्या साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, वे एक्स बिलोंग टू माइनस कोई इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो यह देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स दिस एंगल माइनस पाई बाई सिक्स लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। सो दिस फार्मूला अप्लाई, तो सो वी कैन राइट दिस साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स की जगह आ गया माइनस पाई बाई सिक्स, आंसर हो गया। और क्वेश्चन करेंगे तो और कम कम हो जाएगा आपका। देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर टू, यू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स रूट अंडर थ्री बाई टू। तो अब हम फार्मूला ही रखते हैं, तो कॉस इनवर्स है तो हम पढ़े हैं कि कास इनवर्स कास यक्स इज इक्वल टू यक्स व्हेन यक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल जीरो टू पाई। देखिए कास इनवर्स है, देखिए इनका इंटरवल रेंज क्या है, जीरो टू पाई है। तो अब इनको लिखा जा सकता है कास इनवर्स, अब कास के टेबल में देखना होगा रूट अंडर थ्री बाई टू किसी वैल्यू है, तो कास 30 डिग्री की वैल्यू रूट अंडर थ्री बाई टू होती है, तो 30 डिग्री को रेडियन बदल देंगे तो क्या हो जाएगा कास पाई बाई सिक्स हो जाएगा। तो कास इनवर्स कास पाई बाई सिक्स ऐसे लिख देंगे, इनको रूट अंडर थ्री बाई टू को लिखा जा सकता है कास पाई बाई सिक्स, कास 30 डिग्री वैल्यू रूट अंडर थ्री बाई टू होती है। तो अब देखा जा रहा है यह हो गया कास इनवर्स कास पाई बाई सिक्स, और यह एंगल पाई बाई सिक्स इस का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है या जो वैल्यू है रेंज उसमें यह लाइज है कि नहीं, सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं होगा, तो ये सूत्र हम लिख लेंगे, इस सूत्र के यूज कर देंगे। तो देख रहे हैं आप, देखिए पाई बाई सिक्स है, यहाँ हमने पढ़ा है कि थीटा का मान जीरो होता है, यहाँ थीटा का मान पाई होता है, जो कि यही इनका तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसी इसके बीच में होती है, यहाँ जीरो से पाई के बीच में, तो पाई बाई सिक्स 30 डिग्री के यही है, यही आपका पाई बाई सिक्स है अर्थात जीरो और पाई बाई पाई के बीच में ये एंगल स्थित है, अर्थात ये जो है उनका फार्मूला लिखा हुआ है अर्थात पाई बाई सिक्स। एक मैं और दे रहा हूँ एग्जाम्पल, ऐसे ही है क्वेश्चन, सब क्वेश्चन लगभग इसी तरह हैं लेकिन कुछ हैं थोड़ा सा हम बदल रहे हैं। जैसे अभी आपका क्वेश्चन नंबर थ्री भी इसी तरह है, फोर भी इसी तरह है, फाइव देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव है कि कास इनवर्स माइनस वन बाई टू, वन बाई टू। तो अब कास इनवर्स है तो कास के टेबल में देखना होगा यह वैल्यू किस डिग्री की है, तो लिखेंगे कि कास इनवर्स कास, ये देखना होगा कि किसकी वैल्यू है, कास वन बाय कास के टेबल में वन बाई टू किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स की वैल्यू जो है उसको रेडियन में बदल देंगे तो
वहीं कोई रेडियन है पाई बाई सिक्स की होती है। चलो ठीक है, लिखा जा सकता है कि cos पाई बाई सिक्स, cos पाई बाई सिक्स वैल्यू माइनस वन बाई टू होती है, लेकिन यहाँ ऐसे लिखेंगे तो प्लस होगा। तो इनको देखिए आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे माइनस वन बाई टू को आप लिखेंगे माइनस का पाई बाई सिक्स, क्योंकि वहाँ पाई बाई थ्री कर दीजिए सर, पाई बाई थ्री होगा अगर सारी कास कास आपका 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1 बाई टू। आप 60 डिग्री को बदलेंगे रेडियन में तो कितना हो जाएगा पाई बाई थ्री। तो यहाँ लिखा जा सकता है कि कास इनवर्स और माइनस है तो माइनस कास पाई बाई थ्री लिखेंगे ऐसे। अब ऐसे इसलिए लिखेंगे कि कास माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कास थीटा, इसलिए इस वैल्यू को कास माइनस पाई बाई थ्री हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि कास माइनस पाई बाई थ्री लिख देते हैं यदि तो कास माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कास थीटा हो जाएगा, अर्थात कास पाई बाई थ्री हो जाएगा, हमको जो क्या है माइनस, इसलिए माइनस वन बाई टू को लिखेंगे माइनस कास पाई बाई थ्री न कि कास माइनस पाई बाई थ्री। तो अब देखना होगा कि माइनस कास पाई बाई थ्री कास निगेटिव हो गया, ये कास जो है ऋणात्मक है तो कास कहाँ कहाँ ऋणात्मक होता है आप पढ़ा है किस किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में होता है ऋणात्मक और थर्ड में होता है ऋणात्मक, तो सेकंड और थर्ड में कास ऋणात्मक होता है, इसलिए अब क्योंकि कास का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है या रेंज है जीरो से पाई के बीच में है, तो देखिए हम जीरो से पाई लेंगे, जीरो से पाई लेंगे, यदि तीसरा में पहुंचना होगा तो पाई प्लस कर देंगे तो तीसरा में पहुंचेंगे, लेकिन तो इससे बाहर जाएंगे जो क्लोज इंटरवल जीरो से पाई है पाई से बाहर हो जाएंगे फिर तीसरे में जाएंगे, इसलिए तीसरा में हम इनकी वैल्यू नहीं लेंगे, कहाँ लेंगे सेकेंड में, और सेकेंड में जाने के लिए आपने पढ़ा है पाई माइनस थीटा का प्रयोग करते हैं, तो इनको लिखा जा सकता है कि कास इनवर्स कास पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह पाई बाई थ्री ऐसे लिखा जा सकता है। देखो आप मिला लो कास पाई माइनस थीटा माइनस कास थीटा, देखिए बैठ बैठे और यह जो वैल्यू है इसको हल कर लीजिए, कास इनवर्स कास थ्री पाई माइनस पाई बाई थ्री, या कास इनवर्स कास थ्री पाई में तो पाई निकल गया कितना आया टू पाई बाई थ्री, और ये टू पाई बाई थ्री क्या डिग्री है चेक कर लो, टू पाई बाई थ्री कितनी डिग्री है टू पाई का मान 180 बटा के थ्री थ्री से कटाओ 60 डिग्री आया 120 डिग्री, और 120 डिग्री देखिए आपका यही होगा 120 डिग्री आपका यही होगा 120 डिग्री, और 120 डिग्री जो है जीरो पाई के बीच में स्थित है, क्यों इनकी रेंज यहाँ है जीरो से पाई, क्लोज इंटरवल जीरो से पाई मैंने 180 डिग्री, जीरो से 180 डिग्री और जीरो से 180 डिग्री के बीच में 120 डिग्री है अर्थात टू पाई बाई थ्री है, अतः यह कंडीशन सेटिस्फाई होती है। क्या सूत्र पढ़ा था कि कास इनवर्स कास एक्स बराबर एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल जीरो टू पाई, और दिस इज इक्वल टू आंसर टू पाई बाई थ्री आंसर। इस प्रकार एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 निकलेंगे, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स माइनस वन। तो हमने बताया ना क्या कि जब टेन इनवर्स है तो टेन के टेबल में जाना होगा, और टेन के टेबल में देखेंगे पहले की वन किसकी वैल्यू है कितनी डिग्री की वैल्यू है, टेन 45 डिग्री की वैल्यू जो है वन होती है, और माइनस है तो इनको लिखा जा सकता है क्या लिखा जा सकता है कि टेन माइनस 45 डिग्री को रेडियन में बदल देंगे तो कितना आ जाएगा पाई बाई फोर हो जाएगा, क्यों इधर देखो आप ये पढ़े हो टेन 45 डिग्री की वैल्यू वन होती है, और चूँकि माइनस वन है तो एंगल निगेटिव कर दिया, टेन माइनस 45 डिग्री कर दिया
इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस वन, क्यों क्योंकि सिंस क्योंकि टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा होता है इसलिए। अच्छा अब 45 डिग्री को रेडियन में बदलने के कैसे बदलेंगे, 45 है डिग्री है उसको रेडियन में बदलना होगा तो पाई बाई 180 से गुणा कर देंगे कितना आया आया पाई बाई 4 रेडियन, पाई बाई 4 रेडियन लग गया। अब ये एंगल देखना होगा इनको ऐसा लिख सकते हैं टेन इनवर्स टेन माइनस पाई बाई 4 और माइनस पाई बाई 4 देखेंगे कि इनका जो रेंज है जिसपे वैल्यू ब्रांच है वह कहाँ लाइक करते हैं इसके लिए। तो देखिए टेन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है माइनस ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में स्थित है अर्थात यहाँ देखिए माइनस पाई बाई 2 और यहाँ क्या है पाई बाई 2 तो माइनस पाई बाई 4 इनके बीच में स्थित है माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में माइनस पाई बाई 4 स्थित है इसलिए ये मेरा जो फार्मूला है अप्लाई होता है कौन कि टैन इनवर्स टैन एक्स इक्वल टू एक्स टेन एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 अर्थात उनका रियल हो गया माइनस पाई बाई 4 सिंस माइनस पाई बाई 4 बिलोंग टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 इनका आंसर हो गया। तो इसके सभी क्वेश्चन स्टूडेंट्स इस प्रकार हैं और आप लोग हल करिए। थैंक यू।